नमस्कार दोस्तों, नेपाल की जनगणना की रिपोर्ट हाल ही में आई है, यानी कि नेपाल सेंसस रिपोर्ट। और इसमें कई बड़ी चीजों की खुलासे हुए और कई लोगों को ये जानकर हैरानी भी होगी कि नेपाल में हिंदू और बौद्ध की जनसंख्या में काफी बड़ी गिरावट आई है, और वो कितनी आई है वो डेटा में आगे पता चलेगा। साथ ही साथ नेपाल में मुसलमानों की जनसंख्या में तेजी देखी गई है, वहीं ईसाइयों की आबादी का भी ग्राफ ऊपर देखा गया है। और मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो नेपाल में पिछले दशकों में हिंदुओं और बौद्धों की जनसंख्या काफी कम हुई है। चलिए जानते क्या कहते हैं ताजा आंकड़े। दोस्तों, केंद्रीय जनसंख्यिक ब्यूरो यानी कि सेंट्रल ब्यूरो ऑफ डेमोग्राफी द्वारा शनिवार को 2023 में 2021 की जनगणना रिपोर्ट जारी की गई। इस रिपोर्ट के अनुसार नेपाल में 81.19% हिंदू लोग रहते हैं, जिसके साथ नेपाल में सबसे ज्यादा हिंदू प्रमुख धर्म है। वहीं पूरे देश में 2,36,00,000 से भी ज्यादा हिंदू हैं, जबकि 23,94,000 से ज्यादा बौद्ध हैं। देश में बौद्ध धर्म सबसे ज्यादा मानने जाने वाला दूसरा धर्म है और बौद्ध धर्म 8.2% है। वहीं नेपाल में 14,83,000 से ज्यादा लोग इस्लाम को मानने वाले हैं, यानी कि मुस्लिम हैं, जो कि कुल जनसंख्या के 5.9% है और इसी के साथ तीसरा सबसे बड़ा धर्म जो कि नेपाल में माना जाता है। अब आपको बता देते कि पिछले आंकड़े क्या थे। जनगणना की रिपोर्ट बताती है कि पिछले दशक में हिंदुओं और बौद्धों की जनसंख्या आंशिक रूप से कम हुई है, जबकि मुसलमानों, ईसाइयों और किरात की जनसंख्या मामूली रूप से बढ़ी हुई है। जनसंख्या में पिछले आंकड़ों पर नजर डाले तो 10 सालों में हिंदुओं और बौद्धों की जनसंख्या 0.11% और 0.79% घटी है, जबकि मुसलमानों की 0.69, किरातों की 0.17 और ईसाइयों की 0.36% बढ़ी है। साल 2011 की जनगणना के अनुसार देश में 81.3% हिंदू, 9% बौद्ध, 4.4% मुसलमान, 3.1% किरत और 0.1% ईसाई थे। और अब ताजे आंकड़े कहते हैं कि हिंदू 81.19% है, बौद्ध धर्म मानने वाले 8.2% हैं, साथ साथ इस्लाम धर्म यानी कि मुस्लिम धर्म को मानने वाले 5.09% लोग हैं। तो ये थे ताजा जनगणना के आंकड़े। आपकी इन पर राय क्या है कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं, क्योंकि नेपाल में धर्म परिवर्तन प्रोहिबिटेड है, यानी कि कोई धर्मांतरण नहीं कर सकता। लेकिन आमतौर पर बहुत सारी चीजें देखी गई हैं जिसमें ईसाई धर्म को लोग कई चीजों के लिए फॉलो कर रहे हैं और इसको फॉलो करवाने का तरीका काफी अलग है, जो कि नेपाल के कानून के खिलाफ है। और मुझे पर्सनली कई सोर्सेस से भी पता चला है कि कैसे कई ईसाई धर्म का इस्तेमाल किया जाता है इनकम जनरेट करके लोगों को कन्वर्ट कराने के लिए नेपाल में। क्या आपको इस बारे में कुछ पता है? अगर पता है तो प्लीज कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएगा, क्योंकि एक बहुत बड़ा इशू, क्योंकि नेपाल के कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग धर्म परिवर्तन नेपाल में प्रोहिबिटेड है। यदि आपको कोई ऐसा मिलता है जो कि ऐसा काम करता है तो शिकायत आप करवा जरूर सकते हैं। और आपकी क्या इस पर राय कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा।